देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिल्कियारा सुरंग ढहने के बाद उसमें 43 मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को बचाने के लिए बचाव अभियान जारी है। वहीं मजदूरों की जीवन रक्षा के लिए महाकाल मंदिर में विशेष पूजा के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है। उत्तराखंड के टनल में पिछले दिनों से 43 मजदूर फंसे हैं। उनकी कुशलता की कामना को लेकर महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना कर उनकी सुरक्षा की कामना की गई है। महाकालेश्वर मंदिर के पंडितों ने कहा है कि बाबा महाकाल अकाल मृत्यु को हरने वाले हैं। बाबा के शरण में जो भी आता है उसका बुरा समय व काल मृत्यु दूर हो जाती है, जिसके चलते उन्होंने टनल हादसे में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया है। माता दरबार में आपने मजदूरों के लिए जलाभिषेक और महामृत्युंजय का जाप किया है, क्या है? महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, वो भारत का क्षेत्र है और महामृत्युंजय का एकमात्र मंदिर महाकालेश्वर मंदिर है। उसकी हम लोग वरिष्ठ पुजारी रमण गुरु जी त्रिवेदी बोल रहे हैं और हमने यहाँ 41 मंदिर मजदूर जो उत्तराखंड में फंसे हुए हैं टनल में, उनको जान बचाने के लिए महामृत्युंजय कल से शुरू किया था, आज समाप्त किया हमने और जल चढ़ाया, अभिषेक किया है। मेरा ये मानना है कि मानवता का काम भगवान महाकालेश्वर के हाथ से हमेशा हुआ है। इन्होंने सबकी जान बचाई है, उनकी भी जान बचेगी, हम तो सिर्फ माध्यम है। भगवान महाकालेश्वर का अभिषेक कभी खाली नहीं गया, महामृत्युंजय जाप कभी खाली नहीं गया और निश्चित रूप से उत्तराखंड का जो भी अरदास या लगती है वो काम पूरा होता है महाकालेश्वर मंदिर में। इसलिए महामृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय देवा मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितों का बंधे। इसके लिए मोदी जी भी बहुत प्रयासरत है, हम भी बहुत प्रयासरत है और भगवान की हाजिरी हमने लगा दी महाकालेश्वर, किया सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जय